अगर दोस्तों आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को कौन सा 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहिए 2024 के अंदर, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पांच ऐसे जबरदस्त 5G स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि 25,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। बाकी दोस्तों मेरी लिस्ट में पहले नंबर का स्मार्टफोन आता है OnePlus Note C 4 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन दोस्तों OnePlus का होने वाला है जो कि आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश वाली एक AMOLED डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। और ये दोस्तों एक एक्वा डिस्प्ले होगी जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 7 Gen 3 की चिपसेट देखने को मिल जाती है जो कि काफी फास्ट एंड स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है। और इसके अंदर दोस्तों आप लोग काफी अच्छा गेमिंग का मजा भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस प्रोसेसर की मदद से इसकी जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो आप लोग को 5GB पर सेकंड की देखने को मिल जाती है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप लोग को काफी थिन एंड लाइट वेट देखने को मिल जाता है और ये आप लोगों को 100 वाट के फास्ट चार्जिंग और 5500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये OnePlus का स्मार्टफोन आप लोगों को 8GB रैम और 8GB वर्चुअल रैम के साथ देखने को मिलेगा और 128GB इसके अंदर आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोग 1TB तक अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप। बाकी इसके अंदर आप लोगों को बैक की साइड 50MP का एक OIS सोनी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है जिसके आप लोग काफी अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें प्राइस की तो ये OnePlus का स्मार्टफोन आप लोगों को 24,900 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है Amazon के ऊपर। बाकी अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों हाल ही के टाइम पे कैमरे के मामले में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश के साथ एक कर्व विजन AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि काफी स्मूथ डिस्प्ले है। बाकी इसकी बैक की साइड आप लोगों पर 50MP का सोनी OIS मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जिसके साथ आप लोगों को 32MP का एक टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से दोस्तों इसकी बैक की कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए इसके अंदर आप लोग को Snapdragon 6 Gen 1 की चिपसेट देखने को मिल जाती है जो कि गेमिंग के लिए और जो आप लोग को लैग फ्री गेमिंग का मजा देगी वो तो आप लोगों को काफी पसंद आने वाला है। बाकी दोस्तों इसकी जो लग्जरी फिनिशिंग होगी इसकी बैक की साइड वो तो आप लोगों को काफी पसंद आएगी। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को 3D कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये Realme का स्मार्टफोन आप लोगों को 67 वाट के फास्ट चार्जिंग और पूरे 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिल जाता है और ये आप लोगों को 8GB रैम और 8GB वर्चुअल रैम के साथ देखने को मिलेगा और 256GB की इसके अंदर आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें प्राइस की तो ये Realme का स्मार्टफोन आप लोगों को हाल ही के टाइम पे Amazon के ऊपर 23,740 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को काफी परफेक्ट स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बाकी अब हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर का स्मार्टफोन आता है Motorola Edge 40 Neo 5G स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन दोस्तों अब तक का सबसे बजट और सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है जो कि आप लोगों को 144Hz रिफ्रेश के साथ एक 10-bit OLED डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों एक कर्व डिस्प्ले है। इसके अंदर आप लोगों को 1300 nit की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके लिए इसके अंदर आप लोगों को MediaTek Dimensity 7030 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोगों को काफी अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग का मजा देने वाला है। इसके अंदर आप लोगों को पूरे 15 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं और ये Motorola का स्मार्टफोन आप लोगों को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को IP68 अंडर वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और इसकी बैक की साइड आप लोगों को पूरे 50MP का OIS के साथ मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और पूरे 32MP का इसके अंदर आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी ये Motorola का स्मार्टफोन आप लोगों को 68 वाट के फास्ट चार्जिंग और 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा और हाल ही में दोस्तों इसकी Amazon के ऊपर प्राइस है 23,999 रुपए जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी कवर डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का स्मार्टफोन आता है Samsung Galaxy A34 5G स्मार्टफोन। अगर आप लोग भी 25,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट Samsung स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो ये Samsung का स्मार्टफोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसके अंदर आप लोगों को 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों 1000 nit ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलती है। इसकी बैक की साइड आप लोगों को 48MP का OIS के साथ मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जिसको सपोर्ट करने के लिए इसके अंदर आप लोगों को 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 13MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 1080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि आप लोगों को 2.8GHz स्पीड के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को IP67 Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिल रहा है और ये दोस्तों आप लोगों को 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को 8GB रैम और 128GB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और ये Samsung का स्मार्टफोन आप लोगों को हाल ही के टाइम पे Amazon के ऊपर 22,299 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है और इसकी स्टाइलिश डिजाइनिंग आप लोगों को काफी पसंद आएगी। बाकी दोस्तों 25,000 रुपए की बजट रेंज के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट Samsung का स्मार्टफोन है आप लोगों के लिए।
अब दोस्तों हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का स्मार्टफोन आता है ओप्पो F23 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। इसके अंदर आप लोगों को 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले होगी जो कि आप लोगों को 120Hz रिफ्रेश के साथ भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोग 4K तक की वीडियो को अल्ट्रा क्लीन के साथ देख सकते हैं जो कि काफी अच्छी व्यू एंगल के साथ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोग को IP65 की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है और इसकी बैक की साइड आप लोग को 64MP का अल्ट्रा क्लीन कैमरा देखने को मिल जाता है और 32MP का इसके अंदर आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी ये दोस्तों ओप्पो का स्मार्टफोन आप लोगों को 67W के फास्ट चार्जिंग और 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा और इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 40 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों ये ओप्पो का स्मार्टफोन आप लोगों को MediaTek Dimensity 7050 के 5G प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा और हाल ही के टाइम पे ये दोस्तों आप लोगों को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ Amazon के ऊपर 23,999 के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को काफी अच्छा ओप्पो का स्मार्टफोन देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो कि आप लोगों को 25,000 रुपए के अंदर बिल्कुल परफेक्टली देखने को मिल जाते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।